चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना, 4 मई को होगा निकाय चुनाव का मतदान। नगर निकाय चुनाव के प्रशासन ने पूरी की तैयारियां, डीएम की मौजूदगी में रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर 48 घंटे के लिए सील हुई नेपाल सीमा, महाराजगंज सोनाली और ठुठरी बारी सीमा पर चौकसी बढ़ी। दो पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल, रोडवेज बस और कार चालक में मारपीट, कार सवारों की बेल्ट से की गई पिटाई। ऊंट पर सवार होकर डीएम कार्यालय पहुंचा पीड़ित, पीड़ित ने अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप, शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कल नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। अमरोहा की 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत की सीटों के लिए डीएम ने पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। इस दौरान डीएम ने कर्मचारियों को सकुशल और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए निर्देशित किया। पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही, आप देख रहे हैं यहाँ पे GIC, ये जो अमरोहा में सभी हमारी पार्टियां आई हैं, सामग्री प्राप्त कर रही हैं, मिलान कर रहे हैं वो लोग, और एक घंटे में प्रस्थान करेंगे यहाँ से। सभी व्यवस्था कर ली गई है, बसें लगा दी गई हैं, फोर्स भी हमारी तैनात कर ली गई है। जनपद में कुल 464 बूथ बनाए गए हैं, 34 सेक्टर हैं, 12 जोन हैं। इस प्रकार से तैयारी की गई है और हम लोगों ने बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए फिर संकल्पित हैं। हमारे अधिकारी भी सब ट्रेनिंग अच्छी दी गई लोगों की है, मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा से जो है ये चुनाव संपन्न होगा। देखिए, सुबह से ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम्स की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने CCTV कैमरा, साथ में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है, साथ में गेट्स की एंट्री एग्जिट का भी हम लोगों ने प्लान कर लिया गया। जो बसेज हैं उनके अंदर जो पोलिंग पार्टियों में सुरक्षाकर्मी लगे हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे ही यहाँ पे सामग्री वितरण का कार्य पूर्ण होगा उसके बाद पोलिंग पार्टियाँ अपने मतदान केंद्रों पर चली जाएंगी। वहाँ पर हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि रात में सुरक्षा के लिए जो SHOs हैं वो जगह जगह वहाँ पर मतदान केंद्रों पर जाएंगे, इंश्योर करेंगे जो ड्यूटीज़ हैं वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। बलिया में डीएम से मिलने के लिए पीड़ित ऊंट पर सवार होकर पहुंचा। डीएम कार्यालय पहुंचकर पीड़ित ने अपनी समस्याओं का शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को सौंपा। पीड़ित नवीन कुमार ने बताया कि सिकंदरपुर सोनाली होते हुए गोरखपुर से नेपाल जाने वाली रोड पर बहादुरपुर चट्टी के पास अंधा मोड़ हो चुका है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं, जिसकी शिकायत कई बार तहसील दिवस में भी की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मकसद यह बा कि कोई कुछ जैसे तहसील दिवस में भी पत्रावली दिया गई, जैसे कि रोड पर सिकंदरपुर से सोनौली गोरखपुर सिकंदरपुर होते हुए जो रोड नेपाल में जाती है पड़ोसी देश में, तो बहादुरपुर चट्टी पर अंधा मोड़ हो चुकल भी है, रोज एगो ना एगो एक्सीडेंट होत रहती है। तो यही कलेक्टर साहब से कहा कि वो या ठोकर बातन दो चार को ठोकर बना दिया जाए ताकि मानव सुरक्षा हो। माननीय मंत्री जी नारद राय जी का एगो लाइट लागल रहे चौमुखी, वो लाइट कुछ दिन चलल, एक बाद लाइट खराब हो गई, तब से वो लाइट ना चलल, वजह बहुत बरियार सब्जी के बाजार लागल। उत्तर प्रदेश में 4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को पूरा कर लिया है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही महाराजगंज सोनाली और ठूठी बारी की सीमा को 48 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। सीमा पर लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया, इसके साथ ही चौकसी भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस दौरान मालवाहक टूरिस्ट बसों के अलावा पूर्व निर्धारित शादी विवाह के साथ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। मुजफ्फरनगर जिले के भोपा थाने इलाके में स्थित बेलडा बस स्टैंड पर मारपीट का मामला सामने आया। बस स्टैंड पर मामूली कहासुनी के बाद बस चालक और कंडक्टर ने मिलकर कार सवार की पिटाई कर दी। कार सवार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गाड़ी को हटाने को लेकर कार और बस चालक के बीच विवाद हो गया था। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला मुख्यालयों से पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। इसी कड़ी में श्रावस्ती में भी जिले की 2 नगर निकाय सीटों पर चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। पोलिंग पार्टियों को भिंगा नवीन गल्ला मंडी से नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए भेजा गया। भिंगा नगर पालिका में 25 वार्डो में 17 मतदान केंद्र और 51 नगर पंचायत में 12 वार्डो में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4 मई को नगर निकाय चुनाव यहाँ
संपन्न होगा। मतदान का दिनांक है कल। हमारे यहाँ दो नगर निकाय, नगर पालिका भूंगा और नगर पंचायत इकौना। हमारे नगर पालिका भूंगा में 50 बूथ है और इकौना में 17 बूथ है। हमारे चुनाव से रिलेटेड सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज यहां पर सारी भूंगा की पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। इकौना की पोलिंग पार्टीज तहसील इकौना से रवाना होगी। स्ट्रॉन्ग रूम भी तहसील में इकौना में बनाया गया है और भूंगा के लिए यही मंडी में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। हमारे सारे जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती हो गई है। प्रेक्षक महोदय के साथ जिले में बैठक हो गई है, उनको भी सारी तैयारियों से अवगत कराया जा चुका है। बुलंदशहर जिले के नरसोना थाना इलाके में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गांव के दबंग प्रधान ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी। बुजुर्ग की पिटाई के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की मौजूदगी में 112 नंबर पर फोन करा प्रधान, उसका पिता और उसका भाई, उसके भतीजे और 5-6 और अन्य दबंग गुंडे उसके साथ। इन्होंने आके हमारे साथ एकदम एक साथ हमला बोल दिया। हम अपने खेत पर काम कर रहे, खेत जोत रहे, और क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस की मौजूदगी में 112 नंबर पर फोन करा प्रधान, उसका पिता और उसका भाई, उसके भतीजे और 5-6 और अन्य दबंग पुलिस की मौजूदगी में 112। चंदौली जिला प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही डीएम ने मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को भी रवाना किया। 4 मई को होने वाले मतदान के लिए जिले में 165 बूथ बनाए गए, जहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।